यह मेरे लिए इमोशनल पल, मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ। वनडे में डेब्यू पर अहम प्रतिक्रिया दी है रियान पराग ने और ये वीडियो जारी किया है बीसीसीआई ने और मैं आपको बताना चाहूंगा कितना वो इमोशनल पल था और क्या बातें हुई। इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत इस समय श्रीलंका के दौरे पे है और इस वक्त ओडीआई की श्रृंखला चल रही है और आज इस ओडीआई श्रृंखला का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। ऐसे में जो प्लेइंग 11 की लिस्ट आई उसमें दो चेंजेस किए गए। जी हाँ, केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत और अर्शदीप की जगह आए हैं रियान पराग। ये पहले से भी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं रियान पराग मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पहला मैच जो था वो टाई हुआ था, दूसरा मैच श्रीलंका ने जीता है, तो ऐसे में मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभा सकता है तीसरे वनडे के मैच में। तो इसीलिए शायद चयनकर्ताओं को लगा होगा और टीम मैनेजमेंट को भी लगा होगा कि इसमें शामिल करना ही जरूरी हो गया है रियान पराग को। मैं आपको बताना चाहूंगा, टीम मैनेजमेंट ने उनको एक दिन पहले ही बता दिया था और इस तरीके से उनको जानकारी हो गई थी। रियान ने कहा, असम से निकलकर भारतीय टीम का सफर तय करना ये आसान नहीं था मेरे लिए और ये बहुत ही कठिन रास्ता था, लेकिन ये मेरे बचपन का सपना था। दोस्तों, जिन खिलाड़ियों को देखते हुए, उन्होंने बताया कि जिन खिलाड़ियों को देखते हुए वो बड़े हुए थे, आज उसी खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिला है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और आज खास बात और एक आपने देखा होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ओडीआई कैप होती है एक विशेष खिलाड़ी को जब दी जाती है, यानी जब डेब्यू करते हैं, तो वो डेब्यू कैप किससे मिली है? जी हाँ, विराट कोहली के हाथों उनको ये डेब्यू कैप मिली है। उन्होंने बताया कि विराट कोहली हमेशा से मेरे आदर्श है, रोल मॉडल रहे हैं और उनको देखकर ही मैंने बैटिंग में अपना परफॉर्मेंस शुरू किया था। उन्होंने इस वीडियो में बताया कि मैंने जब अपने माता पिताजी को इसके बारे में जानकारी दी तो वो रोने लगे, कितना वो खुशी का पल रहा होगा, ये खुशी के आंसू होते हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए जब वो टीम इंडिया में जगह बनाएगा तो ये बहुत ही एक अच्छा पल होगा। मैं आपको बता दूं, वैसे T20 में तो इनका आगाज हो चुका था जुलाई 2024 में और उसमें कुछ खास प्रदर्शन रहा था इनका। T20 के बहुत अच्छे ये स्पेशलिस्ट, मिडिल ऑर्डर के ये बल्लेबाज माने जाते हैं। ऐसे में एक फिनिशर की भूमिका चाहिए थी भारतीय टीम को वनडे में। महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद वो जगह काफी अरसे से खाली है, वो 5वें नंबर की। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पहल बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की तरफ से, जो रियान पराग को ये मौका मिला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आईपीएल में 69 मैच खेले हैं, राजस्थान रॉयल्स केवल एकमात्र ही टीम है जिनके साथ ये खेले हैं और 69 मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। ये पिछला जो सीजन रहा आईपीएल का, ये बहुत ही खास था इनके लिए। राजस्थान रॉयल के साथ खेलते हुए कुछ शानदार पारी खेली, कुछ ऐसी इनिंग्स जिससे वो सुर्खियों में आए, खासकर जब वो जल्दी विकेट गिर जाते थे टॉप ऑर्डर के, उसके बाद ये मिडिल ऑर्डर में आके वहां पे संजू सैमसन के साथ जो पार्टनरशिप करते थे वो एक खास बात थी। इससे पहले उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बैटिंग में कई सेंचुरियां लगाई उन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये दिखाया है, उन्होंने दर्शाया है कि वो एक अच्छे फिनिशर हो सकते हैं और एक अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर की। और ऐसे में ये बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि इनका चयन होना एक बड़ी बात थी, लेकिन चयन होने के साथ साथ इनको मौके मिलना भी एक बड़ी बात हो गई। तो दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि अब रियान पराग की जो शुरुआत हुई है ये सफर कहां तक जाता है। आसाम से लेकर ये भारतीय टीम तक जुड़ा जरूर है, उम्मीद करते हैं ये पिछले कई वर्षों तक जाएगा ये सफर, और हमारी क्रिप्लेक्स टीम से उनको बहुत बहुत बधाई हो। और देखने वाली बात होती है कि अब वो कैसे प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है ये जरूर हमें बताइएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।